चाला विधानसभा परिसर में खालिस्तान के झंडे लगाने के बाद प्रदेश के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और चौकसी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से भी बात की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस घटना के बाद प्रदेश के बॉर्डरों पर चौकसी बढ़ा दी गई है और आने जाने वालों पर नजर रखने के पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से भी बात की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह की कोई भी घटना सहन नहीं की जाएगी, जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। बात सारे इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी हुई है और इसके साथ साथ में जो पूरे हिमाचल प्रदेश को जो अलर्ट की दृष्टि से हमने जो एक नया कदम उठाया है तो उसमें जो खास तौर से जो हमारा हिमाचल के साथ बॉर्डर है उसमें सर्विलेंस बढ़ाने के लिए दूसरी बार ऐसी घटना घटित ना हो और हमारे समाज के बीच में इस प्रकार के माहौल को खराब करने के लिए कोई हिम्मत ना करे। लेकिन अब देखिए अभी तक मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल तो हमने जो SIT कॉन्स्टिट्यूट की है तो वो बेहतर ढंग से कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने कह दिया कि एक तो हमने जो पुलिस का जो पेपर लीक होने का जो विषय आया था कांस्टेबल की भर्ती का, तो उसके लिए SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात हमने पहले तो एक ही निर्णय किया है सीधी, क्योंकि सरकार की मंशा बड़ी साफ है। हमने पहला एक निर्णय ले लिया कि पहले तो उस पेपर को रद्द करना चाहिए ताकि इस पर उंगली उठाने की कोई गुंजाइश ना रहे। एस्ट्रा न्यूज़ के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। लोगों को कहां से